इस आशीषित सुबह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज की सुबह हम दूसरा इतिहास के 20 का 12 वचन से मनन करने जा रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता ही नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। इस आशीषित वचन के आधार पर आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं। इस विषय पर आज की सुबह हम मनन करेंगे। जीवन में कठिन परिस्थिति आने पर और जब हमें ये नहीं पता कि हमें क्या करना है, तब मनुष्य पर भरोसा न रखें और ना ही जगत के प्रभुओं पर भरोसा रखें। लेकिन उस समय यदि हम अपनी कोठरी में जाकर द्वार बंद करके परमेश्वर की तरफ नजर उठाकर प्रार्थना करें, तो वो हमें अपनी ओर से सहायता जरूर भेजेंगे, क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं और आप उपासना करते हैं वो जीवित है। यहोशापात अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाया। दानियल नामक परमेश्वर का भक्त विपरीत परिस्थिति में अपनी कोठरी में प्रवेश कर के द्वार बंद किया और परमेश्वर की तरफ दिन में 3 बार अपनी रीति के अनुसार बिना चुके प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर उसके लिए उतर कर कार्य किया। जीवन के अनिर्धारित समस्याओं के बीच में मदद के लिए मैं और आप भजनकार के साथ मिलकर अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। परमेश्वर की तरफ लगाए नजर कभी भी लज्जित न होगी। हम परमेश्वर की सहायता को महसूस करने पाएंगे, उसका कार्य जीवन में प्रकट होंगे और इसके लिए कोई शक नहीं है। एक जवान की गवाही मैंने इस प्रकार पढ़ी थी। एक अच्छी नौकरी करने वाला जिसका अच्छा एक पारिवारिक जीवन था और जिसको जीवन जीने के लिए जो कुछ जरूरत थी सब कुछ उसके पास था, जिसका अपने पड़ोसी से अच्छा प्रेम और मदद का व्यवहार था। एक दिन उसके पड़ोसी के घर का लड़का गुम हो गया। घर वालों ने पुलिस से अपने बेटे की गुमशुदगी होने की शिकायत दर्ज की, लेकिन उसी समाज के 2 लोगों ने उस व्यक्ति के खिलाफ झूठी गवाही दी कि इसने उनके लड़के को अपनी कार में डालकर ले जाते हुए देखा है। 2 लोगों की झूठी गवाही के कारण वो व्यक्ति को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। कुछ दिन बीतने पर अपने एक मित्र की सहायता से जमानत मिलने पर भी अपने घर और समाज के लोगों के नजर में वो व्यक्ति एक दोषी जैसा जीवन जी रहा था। उसके खिलाफ जो वकालत चल रही थी उसके कारण उसे दोषी मानकर सजा दी। उस व्यक्ति ने किसी से भी मदद की बुहार नहीं लगाई, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में गिरकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। आंसुओं के साथ प्रभु की उपस्थिति में उसने अपना निर्दोष होने को बताया। आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हुए कई रात उसके बीत गए। एक दिन सुबह सवेरे अपने पड़ोस के घर से आवाज आने लगी कि जो उनका लड़का खोया हुआ था वो मिल गया है, वो वापस लौट आया है। उस व्यक्ति के खिलाफ जिन्होंने झूठी गवाही दी थी वे और जिन्होंने उसको दोषी माना वे सब लज्जित हो गए। परमेश्वर की और जिसने आंखें उठाई उसकी निर्दोष होने का सबूत प्रभु ने ही खुद दी। परमेश्वर की ओर देखने वालों के लिए परमेश्वर जो अपने आप को सर्वशक्तिमान है साबित करने वाला है। परमेश्वर की हाथ आपके जीवन की कठिनाइयों में प्रकट होने दें, आपके लिए वो खड़े रहेंगे। आपके खिलाफ जितने भी गलत सबूत इकट्ठे किए गए हैं वे हवा में भूसे के समान उड़ा दिए जाएंगे। उसके लिए हम अपने आप को प्रभु के हवाले सौंप दें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। अपनी आंखें बंद करें, आइए प्रार्थना करें।
हे परम पिता परमेश्वर, हमें चाहे कोई सी भी कठिनाई, कोई सी भी परिस्थिति आए पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास डगमगाने ना पाए पिता। हम मनुष्यों की ओर या इस जगत के लोगों की ओर अपनी नजरें न लगाने वाले बनने पाए, बल्कि हम हर कठिन परिस्थिति में पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर ही अपनी नजरें टिकाए और तुझ पर ही भरोसा रखे, जिससे हमारी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और पिता तू हमारी सहायता के लिए जरूर हमारे साथ खड़ा रहेगा। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आपका दिन शुभ हो।